For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. Hi guys, this is Madhurima Tulli and you're watching me on Movies Adda. First of all, welcome to Movies Adda. Thank you. मैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है. लोग काफ़ी अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और थोड़े नेगेटिव कमेंट्स भी आ रहे हैं, बट अदरवाइज़ आई एम रियली इन्जॉइंग इट. द आई एम एन्जॉइंग द जर्नी व्हाट आई हैड इन बिग बॉस हाउस और अभी जो फेज़ चल रहा है वो भी बहुत इन्जॉय कर रही हूँ. सबसे पहले बाहर आके मैंने मम्मी को बहुत ज़ोर से हक किया, पापा को, पूरी फैमिली को बहुत ज़ोर से हक किया, उनकी बहुत याद आई थी. सो आई मिस देम अ लॉट, तो उनको मैंने बहुत ज़ोर से हक किया और माँ के हाथ का खाना खाया है. Fantastic. आई थिंक वो लोग रूड इसीलिए थे कहीं ना कहीं क्योंकि उनके लिए मैं एक थ्रेट थी, बिकॉज मैं एक वाइल्ड कार्ड एंट्रेंट थी और मैं स्ट्रॉन्ग थी, वो उन्होंने देख लिया था, महसूस कर लिया था. सो दैट्स व्हाई आई वाज अ थ्रेट टू देम, दैट्स व्हाई दे वर अ लिटिल रूड टू मी. वो लोग मुझे डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे, वो लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे और वो लोग नहीं चाहते थे कि मैं मिडवे आके आगे तक जाऊं, और इसी वजह से शायद वो लोग रूड थे मेरे से. सबसे ज़्यादा फेक तो कोई भी नहीं है एज सच. आई थिंक एवरीबडी इज़ वेरी रियल एंड वेरी नाइस. या ज़रूरी है क्या, मतलब गंगा कोई है ही नहीं तो. कोई भी नहीं, आई मीन सबसे रियल होगा आई थिंक सिद्धार्थ. आई थिंक इज़ वेरी रियल. या मेरा यही टेक रहा है क्योंकि उस वक्त हद इतनी ज़्यादा पार हो गई थी कि वो हीट ऑफ द मोमेंट में वो चीज़ हो गई मुझसे. आई थिंक मेरी जगह शायद कोई और होता तो शायद कुछ और गंदा भी हो सकता था, यू नेवर नो, बिकॉज मुंह पे पानी फेंकना इज़ ऑल्सो अ क्राइम. सो मैंने तो सोच समझ के थोड़ा मैंने कम उन पे हमला किया, बट आई एम श्योर किसी के साथ भी वो हुआ होता दे वुड हैव फेल्ट बैड एंड दे वुड हैव रिएक्टेड इन अ डिफरेंट वे. मैंने ऐसे रिएक्ट किया, किसी और ने किसी और तरीके से रिएक्ट किया करेगा. आई थिंक रिलेशनशिप विच इज़ रियल, इट हैपन्स इन एवरी रिलेशनशिप. आपके बीच में झगड़ा होता है, आप कभी कभी एक दूसरे पे हाथ उठा देते हैं, बट आप कैसे कंट्रोल करें उस चीज़ को, आई थिंक यू लर्न फ्रॉम आर रिलेशनशिप. आपके अपने ईगो को मार के आप कैसे एक दूसरे को समझें और उसको कोशिश करें कि वो रिलेशनशिप अच्छा बन जाए. आई थिंक दैट्स समथिंग विच यू लर्न फ्रॉम आर. नहीं, आई थिंक सलमान सर ही लव्स एवरी वन, ही गिव्स इम्पोर्टेंस टू ईच एंड एवरी कंटेस्टेंट. ग्रैंड फिनाले बहुत ही एंटरटेनिंग होने वाला है, आई एम श्योर दे आर. आई थिंक जितनी भी जर्नी रह चुकी है वो सब कुछ आपको दिखने वाला है उस शो में. सो आई एम श्योर यू विल एंजॉय इट. मैं बता नहीं सकती बट आप लोग देखिएगा, आई एम श्योर यू विल एंजॉय इट. नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, शो बिल्कुल बायस नहीं है सिद्धार्थ शुक्ला के लिए, आपकी गलत फहमी है ये. मुझे लगता है कि सिद्धार्थ, आसिफ और रश्मि हो सकते हैं. सलमान सर बहुत ही कमाल के, आई एम ए बिग फैन एंड कौन नहीं है उनका फ़ैन, एंड उनके साथ ये काम करके बहुत ही अच्छा लगा. नचबली में भी किया था एंड दिस इज़ अ सेकेंड शो, सो आई फील ब्लेस्ड एंड हैप्पी दैट आई वर्क्ड विथ हिम. मेरी एक वेब सीरीज़ आ रही है अवरोध, आई होप दैट इस साल आ जाए एंड डेफिनेटली इसमें मर जावा जो एक स्पेशल अपीयरेंस कर रही हूँ वो आने वाला है. मैं कहूँगी थैंक यू सो मच, यू गाइज हैव गिवन मी सो मच लव, प्लीज़ कीप शावरिंग योर लव, इट रियली मीन्स अ लॉट एंड लव यू गाइज.